ये बच्चा ना लिया है, और मैंने भी बस सो के उठा हूँ। सो के उठो, लग नहीं रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये कह रहा कि मैं सो के उठा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा। मैं बता दो भाई इसको, आप 5 बजे मैं 5 बजे उठ गया था वैसे, लेकिन जब से टाइम पास ही कर रहा हूँ लेटा लेटा, शोर तो कर नहीं सकता। ये जान भी आ गई है, देखो दीदी मैंने पूछा लगाई गई। अब पूछा बाबू तैयार हो गया, गर्मी हो रही है तो हम बनियान नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिशु अब ठाकुर जी का नहला रहा है, और ये देखिए छुटकू, दोनों कितने छोटे छोटे लड्डू जी हैं, लड्डू गोपाल जी। दिखा जा सकते, दिखाना। ये दोनों नहाएंगे अब, गंग गंग करेंगे, गंग 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 लगा है। और ये वाली ड्रेस पहनेंगे, और लड्डू गोपाल जी की चड्डी है, चड्डी। देखो टीवी जानवी देखेगी, क्योंकि आज इसकी छुट्टी है इसकी, और जो स्कूल की छुट्टी वैसे पड़ी है 1 महीने की 1.5 महीने की, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ भाई जानी, उसमें तूने टीवी नहीं देखा? खबरदार, हाथ लगा दिया था रिमोट को, तेरी वीडियो बना लूंगा बेटा। ईद की छुट्टी क्या? नहीं ईद है तो मतलब ईद तेरी ईद है, बकवास करने आ रही है। लो जी ईद की छुट्टी में टीवी देखेंगे मैडम। बेटा बताता हूँ तुझे, टीवी देख आता हूँ आज, चिंता मत कर। ठंड लग रही है चीज़ें, मर्जी है यार। हाँ वो मैंने डलवाई है। तो फ्रेंड्स शाम का खाना आ गया है, और हम लोग खाना खा रहे हैं रात का, शाम को तो चाय पीते हैं रात का। तो रात का खाना आ गया है, रात का खाना आ गया है, ये नरम नरम रोटी और ये करेले की सब्जी। कैमरा ही नहीं पकड़ा जा रहा, कोई भी अगर करेले की पकड़ी और पकड़ी करेले की सब्जी। अगर कोई बच्चा अगर बोलेगा ना आप कोई क्या मतलब किसी बच्चे को, ये आमी मीठी आमी आपने खाई है कभी? हमारे घर में, हम राजस्थानी है ना एक्चुअली, हमें ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। आप दो बूंद गिरा भी चुके हो। कोई बात नहीं, ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स ये मीठी आम ही मतलब कच्चे आम की बनती है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आमी से कच्चे आम, आमी कैरी, कैरी कैरी बोलते ना। हाँ। तो फ्रेंड्स बच्चे से पूछोगे आपको क्या सब्जी पसंद है, तो बच्चा बोलेगा ये सब्जी। दिशांत की तो ये आदत है, मतलब मान लो से कोई सब्जी नहीं मिल रही हो ये घर में है ना, तो क्या करता ही है कि मुझे तो मम्मी मम्मी ये मीठी वाली आम दे दो, इससे 2 रोटी 3 रोटी भी आराम से खा लेता है ये। और वैसे इसके ड्रामे इतने हैं, सब्जी तो खाता ही है। 2 रोटी तो खा लेता हूँ, उसके साथ भी शायद नहीं खाऊंगा। नहीं इससे खा लेगा तो आज स्वाद है, मैं खाऊंगा ही नहीं। खा ले तो साथ में आम भी रखी है। बेटा खून साफ करती है ये चीज। नहीं वैसे मेरा खून साफ है, निकाल के नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तेरा खून साफ नहीं है। चलो फ्रेंड्स खाना खाते हैं, और फिर उसके थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। गाइस मेरा फूटा, ये देखो। तो गिरा है शाम को, मुझे बताया नहीं तूने। ये देखो कैसे गिरा, बैट लग गया था एक बच्चे का। ओ, वो ऐसे कर रहा था, उससे बैट खाने गया, वो ऐसे हो गया, बड़ा हो रहा है ना तो इसलिए लग गया होगा। चलो फ्रेंड्स अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे, बाय। ओ भाई साहब चाहे एक घुमा के फिर रेडी है, मैं ही साफ कर रही हूँ, साफ नहीं कर रही। कैसी है तू?
अभी मेरा भाई करके उसका सर खा जाती है। जल्दी कर ले, जल्दी कर ली। टॉमी शू, मम्मी दूध कहाँ है? मैंने गाइस को दूध की बोल रखा है, दूध की वादा कर रखा है, दूध पियेंगे आज हम। दूध कहाँ है? मैंने तो पी लिया। थड़ी गई, देखा अच्छा हुआ उन्हें पैर बचा लिया अपना। तो वो वाला पैर तो ये नहीं होता, तो मतलब पैर पे चढ़ जाएगी तू। देखिए हमारा चाय आ गया है। तो फ्रेंड्स हमारी चाय आ गई है और शाम के बज रहे हैं 5। ठीक है, टीवी तो हमारी शान है, जैसे टीवी चलता रहता है दिन भर, कोई काम धाम तो है नहीं हमारे पास। चाय आ गई और ये बिस्किट और ये वो खरगोश तके के पीछे बैठा खरगोश। खरगोश जी बाबू है आज से, पहले ही बाबू ये होता था, लेकिन बाद में पता लगा ये तो थोड़ा समझदार है, तो हमने सोचा कि बाबू उसको बनाते हैं जिसमें दिमाग की कमी है। ऐसे बोल रही है ना, और राखी भी मेकअप कर रही है। आज जल्दी चाय बना दी इसने, पता है? वैसे ये आधा पौना घंटा लगाती है चाय बनाने में, आज 5 मिनट में चाय या 7 मिनट में बना दी। इसे कहीं जाना है इसलिए। तो बड़े पतले भी लोग हैं यहाँ पर गाइस, बड़े पतले भी लोग हैं। इसी से कर लेंगे, बाल नहीं बनाए मैंने तो। बाल नीचे पड़े हैं पूरी तरह से। लाओ बेगम, हम तुम्हारे बाल चले जाओ। पता लगा सारे वो कथा करने बैठे सब डर के भाग गए, कह रहे भगवान बुलाने थे, चुड़ैल कहाँ से आ गई। ये तो सच्चाई है, कैसे सच बोल लेते हैं आप। चलो खरगोश आ जाओ जल्दी से, चाय पी लो। बाबू तो फ्रेंड्स चाय पी ले, वीडियो तो बाद में बना लेंगे। तो फ्रेंड्स जान भी नहीं रहता ही, हाँ तो मैं जी टाइम पास के लिए पहली वे इसने कोई काम करा, नहीं तो खून खाती रहती है। देखा बारीकी से देखने दे, ये देखिए इसकी मेहंदी कैसी लग रही है। सूर्य का निशान को ना दिया, वैसे गर्मी इतनी हो रही है। ओ भाई ये अच्छा लग रहा है, वाओ। और ये जानवी सुबह झाड़ू मैं लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स इसने आज टेबल साफ की है, क्योंकि हमने आज टीवी बंद कर दिया, इसलिए इसका दिमाग चला, चल इसने आज सोचा कि मैं पहले से जब टीवी चल रहा था जब से ही कर रहा हूँ। मतलब आप टीवी नहीं देखना पसंद करते भाई सर? किसने कहा आपको ये बात? नहीं, अब टीवी में कुछ अच्छी चीजें नहीं आती। बोर हो चुके हैं आप? बात मत कर रखा, फोन में कैसे आ जाएगी? अरे टीवी टीवी है, फोन फोन है। तो फ्रेंड्स रात के 9:30 हो रहे हैं, हाँ नहीं 9:20 बोल सकते हैं, 9:25 नहीं। तो फ्रेंड्स अब हो रहे 9:25 नहीं, अब भी नहीं हो रहे। ये तो ऐसे ही है बचपन से, इसके बातों पर ध्यान मत दीजिए। क्या रखा है इन बातों में? हो गए फोन चला रही थी अभी, फोन रख दिया इसने, फोन चला रही थी लेकिन मैं कैच नहीं कर पाया क्योंकि मैं फोन रख चुकी हूँ। क्या फोन की दीदी? ओ, फोन की लाइट ऑन है इसका, ये फोन चला रही थी क्योंकि सबूतों से पता लगता है कि साथ में यही बैठे। वैसे कैच क्या बोला आपने, कैच किस चीज को कैच कर पाया? शूट नहीं कर पाया। शूट। तो फोन गिर चुका है, मतलब इसकी हरकतों की वजह से। दीदी पैसे भरेगी अब? इसने तो भरे हुए है ना, वो शरीफ बन के बैठ गई है नालायक। क्या ले लिया? अरे मुझे और भाई मैं तेरा गाना सुना है। अच्छा तूने गाना आता भी है? चल चल ये वाला गाना इतना गंदा गाना, ये क्या हो रहा है?
वो छान के गाना गाता है, जो ड्रामेबाजी करता है। गए गाने में ना छन्नी वाली दीदी का फेवरेट सिंगर छन्नी वाला, गुलजार छन्नी वाला, छानी वाला, छान पता नहीं क्या नाम है उसका। उसमें ना वो एक वो गुंडा होता है, उसको पकड़ रहे होते हैं, आगे से मुस्टैंग आती है उसको, मतलब वो गिरता भी नहीं है, जान बुझ के ऐसे ऐसे हो जाता है वो, और फिर वो मस्टैंग से वो आता, मतलब उसको इतनी सी मस्टैंग से लग गई वो बिल्कुल, मतलब अच्छा इतनी मस्टैंग इतनी सी है, एक स्पीड में चल रही है, मतलब एक मतलब स्पीड में नहीं थी वो, और एक वो भागते हुए आ रहे हैं, उसके पीछे बंदे आ रहे हैं, सीढ़िया चल रही है, सीढ़ियों से वो कूद सकता है, लकड़ा के बार बार नीचे गिर गया, पता नहीं क्या बना रखा है इन गानों। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। और उसने वो गुलजार ने दारू नहीं पीता ये गाना बोल रखा है, और खुद सामने दारू पी रहे। कौन से गाने की बात कर रहा था तू तो? याद नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब सोने का टाइम हो गया, रात के 12 बजे हैं, और आज इस प्लास्टर को आखिरी दिन है, कल शाम को 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो कल ये उतर जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ। तो ये कल उतर जाएगा, और उसके बाद मैं इस पैर को कंफर्टेबली सो जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाता, इसकी वजह से वजन इतना है इसमें, कम से कम मेरे ख्याल से 1.5-2 किलो का तो होगा ये, इसकी वजह से मुझे रात भर नींद ही नहीं आती और मैं सो भी नहीं पा रहा, कम से कम 20-21 दिन होने वाले हैं, तो कल ये उतर जाएगा, उसके बाद मैं कल आराम से सोऊंगा, कल 4 बजे की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। फ्रेंड्स मिलते हैं कल सुबह, बाय। आई होप ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात से, थैंक यू, हमारी सबकी तरफ से आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।